अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सिंगर कंपनी का इन्वर्टर टाइप रेफ्रिजरेटर आया है। इसमें छुरी केस इसमें आया था, इसमें कस्टमर ने छुरी लगाई थी जिसकी वजह से इसकी केस ज़ाया हो गई थी। तो उसके हम थोड़ा रिव्यू भी लेंगे और इसका जो मसला हमने हल किया फॉल्ट वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि गैस का हमने चार्ज कर दी थी लेकिन ये कूलिंग मुकम्मल नहीं कर रहा था, तो उसमें गैस का इशू नहीं था। एक मसला हमने छोटा देखा जो मैंने कहा आपके साथ शेयर करते चलें। तो ये रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर टाइप है, आप इसमें देख सकते हैं कि सिल्वर का इन्होंने पाइप दिया हुआ है। इसमें टांका भी बहुत ही मुश्किल से लगा है, तो ये आप थोड़ा देख लिया करें। अब इसमें ये देख सकते हैं कि किस तरह प्रेशर निकल रहा है। अब इसकी कंप्रेसर की थोड़ी बात कर लेंगे। इन्वर्टर का कंप्रेसर है और इसमें ऊपर पीसीबी दी है। अब कंप्रेसर को आप देखेंगे तो आम बंदा यही समझेगा कि इसमें रिले लगी है, लेकिन आपने इस पर नहीं जाना, आपने कंप्रेसर का कनेक्शन खोल के देखना है। अगर जैक लगा हुआ है तो इन्वर्टर टाइप रेफ्रिजरेटर है, क्योंकि आजकल चीज़ों की दिन ब दिन समझ नहीं आ रही। अभी देख सकते हैं कैसे कनेक्शन बहुत सारे दिया हुआ है, तो इसमें पीसीबी ऊपर दी है। इन्वर्टर टाइप कंप्रेसर है, R600 में और बैक साइड इन्होंने पीसीबी दिए। सामने इन्होंने टच का पैनल दिया हुआ है। अब रेफ्रिजरेटर तो हमने बनाया था, वो भी आपको दिखाते हैं। इसकी कूलिंग ऊपर आ गई थी लेकिन नीचे वाली साइड पे कूलिंग नहीं आई थी। डी फैस ये रेफ्रिजरेटर है, सिंगर कंपनी का है, तो ये आपके साथ शेयर करते हैं। अब इसके पैनल की बात कर लेंगे, इसमें कूलिंग लिखा हुआ है 18। ये सेटिंग कंपनी की फीट है और ये ऊपर देख सकते हैं जहाँ पर इन्वर्टर लिखा है, तो ये बार बार थोड़ी देर बाद चलने के बाद ख़त्म होता है। अगर इस पर इन्वर्टर लिखा हुआ आ रहा है तो समझ लें कंप्रेसर चल रहा है, अगर इन्वर्टर लिखा नहीं आ रहा तो कंप्रेसर बंद है। तो इसमें भी यही मसला आया था, कंप्रेसर चल रहा था थोड़ी देर बाद, आधा घंटा 20 मिनट चलने के बाद बंद हो रहा था। ऊपर तो कूलिंग अच्छी कर रहा था लेकिन नीचे वाले खाने में कूलिंग नहीं कर रहा था। तो हमने इसको फिर दोबारा चेक किया, ये हम देखे टांगा हुआ लगा के हर तरीके से ओके कर दिया था, गैस बिल्कुल बराबर की थी। तो इसमें एक मसला है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अब दिन ब दिन चीज़ें नई से नहीं आ रही, इन्वर्टर अब चीज़ें आई, सहूलत भी आ रही है लेकिन काम मुश्किल भी हो रहा है, डिफ़िकल्ट भी हो रहा है, चीज़ों की सही तरीके से समझ नहीं आ रही। अब इस रेफ्रिजरेटर में ऐसा था कि इसमें थर्मोस्टेट तो बाकायदा उससे किसी नहीं दिया हुआ, लेकिन उन्होंने सेंसर दिए हुए, एक नीचे वाले खाने में एक ऊपर वाले खाने में, तो एक जाली नमक चीज़ बनी आपको दिखाते हैं, तो वो बार बार ऑफ हुआ था। तो हमने एक वक्ती हल किया है, हमारे पास बिजली 24 घंटे नहीं है तो आप वक्ती हल कर सकते हैं, तो उस सेंसर के ऊपर हमने टेप लगा दी थी। ये आप सामने देख सकते हैं कि ये जाली नमक जगह नज़र आ रही है, तो यहाँ पर हमने टेप लगा दी थी, उसके बाद नीचे भी कूलिंग आ गई, ऊपर भी इसी तरह मसा था। तो ये छोटा फाल था, मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करते चलें। ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।